चलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे? मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और क्या? मजा आया सो so, दोस्तों कैसे हो आप सब आई हो आप सब बढ़िया आएंगे दोस्तों फाइनली आपके भाई फिर से आप लोगों के लिए न्यू एक पंद्रह अगस्त पर कमाल का वीडियो एडिटिंग टूटल लेके आ चुका हो तो दोस्तों अगर आप कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों वीडियो बने रहना वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों ए टू जेड सेटिंग बताऊंगा अब इस तरह का लिरिक्स वाला न्यू डायलॉग के साथ काफी कमाल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा जो भी भाई अपने देश से प्यार करते हो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा तो चलो आज कल वीडियो एडिटिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं इस तरह से वीडियो क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में जो कायन मास्टर में सॉन्ग बीट मार्के इम्पोर्ट कर लेना है इम्पोर्ट कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तो चलो मैं सबसे पहले कायन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ कायन मास्टर ओपन करने के बाद इंटरफेस से कुछ इस प्रकार दिखेगा दिखने के बाद दोस्तों क्या करना है इसमें जो सॉन्ग बीट मार के इम्पोर्ट करना है इम्पोर्ट कर लेना

जूम कर लेने कहा उसका रेड सॉरी एक ब्लैक का बैकग्राउंड देखा ब्लैक करके बैकग्राउंड पे कुछ नहीं करना उसके बाद जो ब्लैक का बैकग्राउंड आएगा दोस्तों उस पर वो क्लिक करना जैसे इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो इस जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इसका ड्यूरेशन मेरा इंक्रीज हो गया तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेते तो आपका इंक्रीज नहीं हुआ एडजस्टमेंट रहेगा तो वह एक ब्लैक कलर पे कुछ नहीं करना सेकंड जो ब्लैक कलर पेन आएगा उस पर क्लिक करना रिप्लेस का ऑप्शन पर क्लिक कर देना दोस्तों और यहाँ से फोटो रिप्लेस कर लेना जैसे मैं फाइनली फोटो रिप्लेस कर लेता हूँ तो दोस्तों को इस तरह जो फोटो फटाफट से रिप्लेस कर लेना सॉन्ग के लास्ट तक जब फोटो सॉन्ग के लास्ट तक रिप्लेस कर लोगे दोस्तों उसके बाद जो ब्लैक प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो चलो मैं फोटो फटाफट से रिप्लेस कर लेता हूँ फाइनली सो दोस्तों मैंने फोटो सॉन्ग के लास्ट तक करने रिप्लेस कर रिप्लेस हो जाने के बाद सबसे पहले को फर्स्ट तरफ आ इफेक्ट ऐड करने के लिए फर्स्ट तरफ आ के बाद क्या करना तो चलो मैं बता दे रहा हूं जहां से फोटो स्टार्ट होगा दोस्तों को आ जाना कुछ तरह से फोटो तक जिस तरह फोटो यहां से स्टार्ट हो रहा तो फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना क्लिक लिए गुरु सी पे जाना उसको नीचे आना नीचे आने के बाद दोस्तों जो एनिमेशन का ऑप्शन पे उसको नीचे आना और थर्टी थ्री नंबर इफेक्ट ऐड करना उसके बाद सेकंड फोटो पे क्लिक करना क्लिक लिए गुरु सी पे जाना उसको नीचे आना नीचे आने के बाद दोस्तों जरा ऊपर ऊपर एनिमेशन फोर पे उस पर क्लिक करना फोर पे क्लिक करना एट नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना फिर सेकेंड फोटो पे क्लिक करना क्लिक आप सी पे जाना उसको नीचे आना फिर जन से एनिमेशन फोर पे और से एट नंबर ऐड करना ये जो ऑपरवे ओवरवेल एनिमेशन फोर बाई एट नंबर इफेक्ट जो है दोस्तों इसको फाइनली तीन फोटो में लगातार ऐड कर लेना उसके बाद जो फोटो एक क्लिक करना है किलोग्राफसी पे जाना उसका निचे आना और जाना आपको एनिमेशन का ऑप्शन पे थर्टी थ्री नंबर इफेक्ट ऐड कर लेना तो फाइनली दोस्तों को कुछ इस तरह से इफेक्ट है फोटो में इधर इधर ऐड कर लेना इधर फाइनली दोस्तों कहाँ तक ऐड करना चलो मैं बता दे रहा हूँ इस तरह का जो इफेक्ट है दोस्तों को फाइनली यहाँ तक ऐड कर लेना है लगभग को ऐड कर लेना है चौबीस सेकेंड नौ सौ छियानवे आने की आपको पच्चीस सेकंड तक लगभग ऐड कर लेना पच्चीस सेकंड ऐड कर लगे दोस्तों उसके बाद जो फोटो का कर क्लिक करना के लिएग्राफसी पे जाना किलोग्राफसी पे जाने के बाद दोस्तों क्या करना है उसको नीचे आना नीचे आने के बाद दोस्तों सॉरी केलोग्राफी पे क्लिक करता हूँ किलोग्राफी पे जाने के उसका नीचे आना नीचे आने के बाद दोस्तों को मिलेगा स्वीट लाइट्स का ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से फाइव नंबर ऐड करना फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना किलोग्राफसी पे जाना उसको नीचे आना और फिर से जाना स्वीट लाइट्स का ऑप्शन पे फाइव नंबर ऐड करना तो जिस फोटो में स्वीट लाइट का फाइव नंबर ऐड करोगे दोस्तों तो फोटो पर फिर से बार क्लिक करना उसके बाद पैनल एंड जूम का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर इस पर क्लिक कर देना अगर नीचे एंड पोजिशन ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना एंड पोजिशन पर क्लिक कर देने के बाद क्या करना दोस्तों जो फोटो इसको फाइनली थोड़ा इस तरह से जूम कर लेना है उसके बाद डन करना डन हो जाने के बाद फिर सेकंड फोटो पर क्लिक करना फिर से पैनल एंड जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड पोजिशन पर क्लिक करना फिर उसके बाद जो सेकंड फोटो है इसको भी जूम कर लेना तो जितना फोटो में आप स्वीट लाइट का फाइव नंबर ऐड करोगे दोस्तों सब फोटो में आपको क्लिक करना प्ले पेन पेन एंड जूम के ऑप्शन पे जाना एंड पोजिशन में आ जाना इसको इस तरह से जूम कर ले इस तरह से जूम कर लेकर दोस्तों का फोटो में जो एलाइट मोशन जैसा इफेक्ट ऐड हो जाएगा जो कि काफ़ी कमाल लगेगा तो दोस्तों को कुछ इस तरह से इफेक्ट इधर के फोटो में फाइनली ऐड कर लेना है ऐड हो जाने के बाद दोस्तों जब पूरा ऐड कर लोगे इधर सॉन्ग के यानी कि यहाँ तक उसके बाद फर्स्ट तरफ आ जाना फर्स्ट तरफ आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो बिट जो यहाँ पे बिट मार्के दिख रहा है उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद लेयर पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से को फोटो ऐड करना है जैसे मैं फोटो ऐड कर लेना फोटो ऐड कर लेने के बाद उसको नीचे ना क्रॉपिंग का ऑप्शन पे जाना इसको इनेबल कर लेना और फोटो को कुछ इस तरह से को कट लगा लेना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इस तरह से वो कट लगा लेना कट लगा लेने के बाद दोस्तों क्या करना तो मैं आपको बताने वाला तो वीडियो पर दिल थाम के बैठ जाइए उसके बाद सेप के ऑप्शन पर क्लिक करना जो सेकंड वाला सेप है वो ऐड कर लेना और जो फेदर है इसको इसका जो इंक्रेज करना कुछ फाइनली इतना इंक इंक्रीज कर लेना तीस तक उसके बाद यहाँ से कट लगा देना है कट लगा देने के बाद दोस्तों क्या कर फेदर को मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ फिर से मैं क्रॉपिंग पे जाता हूँ इसको कुछ ज़्यादा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ तक और से कट लगा देना कट लगा देने के बाद दोस्तों को क्या करना है इस तरह से कोई एडजस्ट कर लेना है तो ले इस तरह से यहाँ तक कोई एडजस्ट कर लेना दोस्तों इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद क्या करना है इसका डिरोसन जो आगे का बीट मार्क है यहीं तक रखना है उसके बाद जो फोटो इस पर क्लिक करना है ओवरवेल एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से उसको नीचे आना नीचे आने के बाद दोस्तों इफेक्ट मिलेगा फाइनल जिसमें ओवरवेल एनिमेशन पर क्लिक नहीं करना आपको आपको क्लिक करना है इन एनिमेशन पर और यहाँ से उसको नीचे आना नीचे आने के ड्रॉप का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ से ऐड कर देना डन करना फिर से लेयर पे क्लिक करना मीडिया पे जाना यहाँ से फिर से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जैसे हम फाइनल सेलेक्ट कर लेता है इसको भी हम क्रॉपिंग पे जाके जाकर कर लेता हूँ इसको भी हम कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ फाइनली इस तरह से आपको भी क्रॉप कर लेना है क्रॉप हो जाने के बाद आपको सेप पे जाके सेकंड वाला सेप ऐड कर लेना है इसका फेदर है कुछ इस तरह से को बढ़ा देना है और यहाँ से डन दन कर देना है डन हो जाने के बाद इसका भी जो इस तरह से को एडजस्ट कर लेना और इसका भी ड्यूरेशन को थोड़ा दूर तक रखना ज़्यादा नहीं रखना है इसका ड्यूरेशन रख देना चार सौ पॉइंट तक और इसमें भी एनिमेशन पर क्लिक करना है उसका नीचे आना जो ड्रॉप वाला इफेक्ट है इस वाला इफेक्ट को ऐड कर देना इस तरह से ऐड करोगे फोटो में इस तरह इफेक्ट ऐड हो होकर देखा जो काफ़ी कमाल लगेगा उसके बाद क्या करना दोस्तों तो देख लीजिए उसके बाद थोड़ा आगे आ जाना आपको जहाँ तक रेड सॉरी ब्लैक का बैग्राउंड यहाँ तक तो आ जाना उसके बाद लेयर पर क्लिक करना है मीडिया पे जाना मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से वीडियो को ऐड कर लेना जैसे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जितना भी मटेरियल यूज करूँगा ऐड हो जाने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है को रखना जहाँ तक ब्लैक का बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन वहाँ तक रखना स्टफ पार्ट को कट लगा देना है और डिलीट कर देना है फिर इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के उसको नीचे आना स्प्लेट स्क्रीन करके व्हाइट कलर के बॉक्स में क्लिक कराट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ से कट लगा देना उसके बाद क्या करना इस पर क्लिक करना आपको इसको नीचे आना क्रोमा की एक ऑप्शन है इसको यहाँ से इनेबल कर देना है यहाँ नीचे में की कलर में आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद क्या फर्स्ट तरफ आ जाना आ जाने के बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है और यहाँ से फोटो को सेलेक्ट कर लेना फाइनली जैसे मैं यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ फ़ोटो ले लेने के बाद क्या करना है इसको इस तरह से कोई एडजस्ट कर लेना इतना एडजस्ट हो जाने के बाद इसको को कट लगा लेना यानी कि जो स्टफ स्टफाट रहेगा तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं कट लगा लेता हूँ तो तो फिर से मैं क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता तो हूँ इधर से इसका साइज थोड़ा, थो थोड़ा कट कर लेता हूँ इधर से इधर का जो ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा तो इधर से भी मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ और कट हो जाने के बाद डन करना उसको तो कुछ ही तरह से यहाँ तक रख लेना इसको थोड़ा घीच के बड़ा कर लेना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बड़ा करके इस तरह से एडजस्ट लेन, कर लेना उसके बाद फिर से क्रॉपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है इसको मार्क्स को इनेबल करके फेदर है कुछ इसी तरह से को बढ़ा देना है और यहाँ से कट लगा देना कट लगा देने के बाद इस फोटो का जो ड्यूरेशन है को इसका जहाँ तक इफेक्ट हम तो रख लेना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है इसको सेंड टू बैक कर देना है तो फाइनली आपका फोटो को इस तरह से इफेक्ट ऐड होकर देखा जो काफ़ी कमाल लगेगा उसके बाद इधर इस तरह का जो इफेक्ट बन के दिखेगा तो दोस्तों इस तरह का इफेक्ट ऐड कर वीडियो काफ़ी कमाल बन के दिखेगा और जिस फोटो में हमने ओवरवेल इन सॉरी ओवरवेल इनिमेशन है इनिमेशन का जो थर्टी थ्री नंबर ऐड किया उस फोटो पे वो स्टार्ट पोजीशन में आ जाना आ जाने के बाद लेयर पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको फ्लिकर वाला वीडियो ऐड कर लेना जैसे फाइंड कर लेता हूँ मेरे फ्लिकर वाला वीडियो कहाँ पर तो ये रहा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट हो जाने के बाद उसके बाद फुल सेलेक्ट करता हूँ कट लगा देना है उसके बाद इसमें क्लिक करना उसको निशे ना मिलेगा क्रोमा की ऑप्शन क्लिक इनेबल कर देना और इसका जो फ्लिकल इफेक्ट इसका ड्यूरेशन है इस इस फोटो तक ही सीमित रखना फिर से इस पर क्लिक करना थ्री डॉट पेजर इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना आपको और इसको आगे के फोटो में कुछ तरह से ऐड कर देना तीन फ़ोटो के बाद जिसमें आप इनिमेशन का थर्टी थ्री नंबर ऐड किया तो जितना फोटो में ऐड किया सब में ऐड कर लेना उसके बाद फर्स्ट दरवाज़ जाना फर्स्ट रवाज़ जाने के बाद दोस्तों क्या करना लेयर पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से टेम्पलेट को ऐड कर लेना फाइनली तो मैं पहले टेम्पलेट फाइंड कर लेता हूँ तो ये रहा मेरा टेम्पलेट मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ तो सेलेक्ट हो जाने के उस नीचे ना इसको भी व्हाइट कलर के बॉक्स क्लिक करके फिर इसमें सिलेक्ट कर लेना उसका नीचे आना और ब्लेंडिंग में जाना दोस्तों यहाँ से आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना स्क्रीन सेलेक्ट हो जाने के बाद फोटो में इस तरह जो इफेक्ट एड होकर दिखे जो काफ़ी कमल लगेगा दोस्तों अगर टेम्पलेट का डिशन कम रह जाएगा तो मैं देख लेता तो हूँ अंत तक आने के बाद लगता है कम अगर कम रह जाएगा तो टेम्पलेट पे क्लिक करना उस नीचे ना स्पीड का ऑप्शन पे क्लिक करना है इसको थोड़ा आपको स्लो कर देना है एक पॉइंट तो बस आपका टेम्पलेट का ड्यूजेशन इंक्रीज हो जाएगा और जो स्टार्ट टेम्पलेट इसको यहाँ से कट लगा देना तो दोस्तों इस तरह जो काफ़ी कम माल का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं